नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। आइए देखते हैं बहराइच की खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री का सपना, भारत सरकार की हर योजना प्रदेश के सभी जिलों और क्षेत्रों में पहुंचे योगी आदित्यनाथ। बहराइच 24 दिसंबर 2021 तहसील महसी के रामपुरवा चौराहे के निकट आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव बालार कृष्ण महाराज बलभद्र सिंह की पावन भूमि पर पिछले 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार ने जो कार्य किया है, उन कार्यों के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जन जन विश्वास यात्रा आई। आपने जिस जोरदार ढंग से जन विश्वास यात्रा का स्वागत किया, उसका मैं स्वागत करता हूं। श्री योगी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का निर्देश है कि भारत सरकार की हर योजना प्रदेश के हर जनपद और हर क्षेत्र में पहुंचनी चाहिए। सभी योजनाओं से प्रदेश के सभी जनपद अच्छे दिन होने चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अभी कुछ देर पहले अयोध्या में था, जहां पर भारत सरकार के आयुष मंत्री की उपस्थिति में आयुर्वेद कॉलेज के शिलान्यास के साथ ही हर जनपद से जुड़ी हुई। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी अन्य योजना प्रदेश शासन के स्तर पर वितरित हो रहा है। 28 दिसंबर से प्रदेश के लोगों को प्रधानमंत्री अन्य योजना का लाभ दिया जाएगा। अगले माह के प्रथम सप्ताह से अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो खाद्यान्न, 1 किलो दाल व 1 किलो चीनी, 1 किलो तेल व 1 किलो नमक उपलब्ध कराया जाएगा। पात्र गृहस्थी योजना के कार्ड धारकों को प्रति यूनिट पर 5 किलो खाद्यान्न एवं हर कार्ड धारकों को दाल, खाद्य, तेल व नमक भी मिलेगा। ये राम राज्य की परिकल्पना की सरकार है के ईमानदार सोच और दमदार काम का जितना ही कि नागरिकों को निःशुल्क खाद्यान्न वैक्सीन उपलब्ध कराया गया है। केंद्र व प्रदेश सरकार के द्वारा संकट के समय जनता को उनके हाल पर नहीं छोड़ा गया, बल्कि द्वारा द्वार जाकर लोगों की सेवा की गई। संकट काल के दौरान जनप्रतिनिधियों के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों की सेवा में रात दिन एक कर दिया। उन्होंने कहा कि शौचालय, बिजली कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड, अच्छी सड़क और बिजली पानी, सड़क व शौचालय बनवाए हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए राजेश सिंह, जिला ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट।